नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में। हमने बायोमोलिक्यूल चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, उसके अंतर्गत मैं आपको कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन करा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा। RPSC फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में इसके 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे एंड एक क्वेश्चन 101% न्यूक्लिक एसिड में आएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम शुरुआत करते हैं हमारे बायोमोलिक्यूल आज न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लिक एसिड होते क्या है? तो एक्चुअली में जैसे हमें पता है कि हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं, कुछ गुण ऐसे होते हैं, रंग रूप भी मान लो, या बहुत सारे गुण ऐसे होते हैं जो हमें हमारे एंसेस्टर मतलब पूर्वजों से मिलते हैं। तो वो मतलब किसके थ्रू हमारे पेरेंट्स या हमारे जो पूर्वज है उसके थ्रू हमें आते हैं, तो वो आते हैं न्यूक्लिक एसिड, बेसिकली क्रोमोसोम के थ्रू आते हैं। और क्रोमोसोम जो होते हैं वो आपके किसके बने होते हैं? आपके क्रोमोसोम जो होते हैं प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड एक ऐसी यूनिट है या एक ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो हमें मतलब हमारे जो पूर्वज होते हैं उनसे हमारे अंदर आते हैं। तो इसलिए ये मतलब उनसे जो गुण कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमें मिलते हैं हमारे पेरेंट्स से या हमारे पूर्वजों से, वो ये न्यूक्लिक एसिड के थ्रू ही मिलते हैं। एंड ये न्यूक्लिक एसिड होते क्या हैं? ये क्या होते हैं? बायोपॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर ही होते हैं, हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, इसलिए हमने इसे बायोपॉलीमर कह दिया। एंड ये क्या होते हैं? बायोपॉलीमर होते हैं, किसके होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के होते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ होती है वो मैं आपको बताऊंगी। तो इनको न्यूक्लिक एसिड को ही हम पॉली न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं, क्योंकि पॉलीमर्स को हम बोलते हैं ना, जैसे पॉलीप्रोपीन, पॉलीआइसोप्रीन, तो इन्हें हम न्यूक्लियोक एसिड को पॉली न्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड के। और ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये आपने दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, DNA, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड RNA। कई बार तो इतना मतलब ये इतना सा भी क्वेश्चन आ जाता है DNA और RNA का नेमिंग, तो जो सबको ही पता होता है। तो DNA, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड RNA मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये इन दोनों में जो फर्क है वो नाम से ही है कि इसमें जो राइबो मतलब राइबोज शुगर से है, तो इनमें जो राइबोज शुगर होती है वो DNA में डी ऑक्सी राइबोज शुगर होती है और RNA में राइबोज शुगर होती है। वो अभी आगे हम सारा डिटेल से पढ़ देंगे। तो न्यूक्लिक एसिड हमें दो पढ़ने हैं, DNA और RNA, जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड होते क्या। तो न्यूक्लिक एसिड मैंने आपको बताया पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो आपका क्या होता है? 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, शुगर, बेस एंड आपका फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो शुगर, बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड, इन 3 चीज़ों से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो केमिकल कंपोजिशन में अगर हम देखें न्यूक्लिक एसिड, चाहे DNA हो चाहे RNA हो, तीनों में ये शुगर, बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शुगर कौन सी होती है। जो इनमें शुगर होती है वो क्या होती है? आपकी राइबोज शुगर होती है। जैसे हमने ग्लूकोज पढ़ा था C6H12O6, तो राइबोज क्या होता है? C5H10O5। अब राइबोज का जो फॉर्मूला होता है वो अगर फिशर के अकॉर्डिंग देखें तो राइबोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH, जैसे ग्लूकोज का होता है CHO, फिर CHOH की थ्राइस 3, 4 और ये 5वां कार्बन आपका CH2OH, सेम ग्लूकोज जैसे ही होता है। तो इसकी जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जो ग्लूकोज न्यूक्लिक एसिड में जो शुगर होती है, मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट जब कराए थे तो अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स करवाई थी, तो अकॉर्डिंग टू इसमें भी अल्फा एंड बीटा फॉर्म बनती है। अगर आपके OH लेफ्ट हैंड साइड में है तो बीटा, OH राइट हैंड साइड में है तो अल्फा। तो अगर हम हावर्थ की स्ट्रक्चर बनाए अकॉर्डिंग टू, तो हावर्थ के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है इसमें, इस तरीके से इसमें ये फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बनती है, क्योंकि 5 कार्बन है। तो पहले कार्बन पे 1, 2, 3, 4, पहले कार्बन पे क्या है आपके ये OH एंड H। तो पहले कार्बन पे आप देखें अगर इसमें जो शुगर होती है वो बीटा होती है, तो बीटा राइबोज शुगर होती है। अब बीटा राइबोज शुगर कैसे होती है कि पहले कार्बन पे अगर बीटा, मैंने बताया था OH ऊपर हो H नीचे हो, तो ये होगी बीटा फॉर्म। दूसरे कार्बन पे क्या है? HOH। तीसरे पे भी H और OH ही होता है, ग्लूकोज जैसे नहीं होता। और चौथे कार्बन पे आपके क्या हो जाता है? एक तो CH2OH है,
पांचवा कार्बन और एक आपके ये एच है, तो ये होगी हावर्ड स्ट्रक्चर। तो ये तो होगी राइबोज शुगर आपके, जो कि हमारे न्यूक्लिक एसिड में पाई जाती है, यहीं से डिफरेंस आता है। ये तो होगी आपके राइबोज शुगर, ठीक है। और अब डीएनए में क्या हो जाता है कि डीएनए में ये जो सेकंड नंबर कार्बन होता है, इससे ये ऑक्सीजन जो होती है ये गायब हो जाती है। तो क्या हो जाता है, वही होती बीटा है, तो ये होगी बीटा बीटा राइबोज शुगर। एंड डीएनए में अब क्या हो जाता है, ओएच एंड सेकंड नंबर कार्बन से ऑक्सीजन डीऑक्सी, मतलब ऑक्सी उड़ गई, ऑक्सीजन उड़ गई, एच एच बच गया, और तीसरे पे एच ओ एच, चौथे पे सी एच टू ओ एच एंड एच। तो ये जो दूसरे नंबर कार्बन से ऑक्सीजन उड़ जाती है, तो जो ये डीएनए, ये तो किस में पाई जाती है, आरएनए में, राइबोज न्यूक्लिक एसिड में। और डीएनए में क्या होती है, जो शुगर होती है वो कौन सी होती है, सेकंड पोजीशन पे क्या होती है, ऑक्सीजन उड़ जाती है, तो टू डी ऑक्सी, वहीं से आया डी ऑक्सी, मतलब ऑक्सीजन गायब हो गई, जैसे हम कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन का उड़ जाना, ठीक है, वैसे ही। तो टू डी ऑक्सी राइबोज, तो डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है, 2-deoxyribose शुगर, इसलिए इसका नाम डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, एंड इसका नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि इसमें राइबोज शुगर पाई जाती है। और लास्ट ईयर आईपीएससी फर्स्ट ग्रेड में यही आई थी कि विच शुगर मायोटी प्रेजेंट इन डीएनए, तो 2-deoxyribose शुगर प्रेजेंट होती है इसमें। चलिए अब हम पढ़ते हैं, शुगर हमने पढ़ ली दो टाइप की, डीएनए में कौन सी होती है 2-deoxyribose और आरएनए में कौन सी होती है राइबोज। अब हम पढ़ते हैं दूसरे केमिकल कंपोजिशन में, हमने पढ़ा शुगर बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड। तो जो बेस होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, बेस आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं प्यूरीन और एक होते हैं पिरिमिडीन। आपको देखिए स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ये मतलब पीजीटी केमिस्ट्री के टाइप के पेपर होते हैं उनमें स्ट्रक्चर नहीं आती। अभी केवीएस का जो पेपर हुआ था उसमें भी देखो एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा इनमें से कौन सा प्यूरीन नहीं है, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो आप लोग तो जो दो नाइट्रोजीनस बेस होते हैं, और ये जो बेस होते हैं नाइट्रो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, और जो दो नाइट्रोजीनस बेस प्यूरीन कौन से होते हैं, वो होते हैं ए और जी। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ए जी पी यू चले, तो इसको ऐसे याद रखते हैं कि मतलब एडिनिन ग्वानिन क्या है, प्यूरीन है। तो एडिनिन एंड ग्वानिन आपके क्या होता है, प्यूरीन होते हैं। एंड पिरिमिडिन, क्योंकि इनमें प्यूरीन रिंग पाई जाती है, और पिरिमिडिन जो है वो तीन है, तो इसको इस तरह का पिरिमिडिन मतलब लंबा, तो इसमें लंबे मतलब कि ज्यादा बेस है, तो तीन बेस है। तो एडिनिन के साथ जो होता है वो हमेशा थाइमिन जुड़ता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, एंड ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन जुड़ता है सी। और जो ये जो थाइमिन होता है ये ओनली डीएनए में प्रेजेंट होता है, आरएनए में नहीं। और जो यूरेसिल होता है एक पिरिमिडिन बेस, वो ओनली आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में नहीं, क्योंकि जैसे डीएनए में तो एडिनिन के साथ थाइमिन हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, और आरएनए में एडिनिन के साथ यूरेसिल जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है उसमें, क्योंकि थाइमिन नहीं होता। तो ये इसमें तीन बेस है, तो इसलिए पिरिमिडिन मतलब नाम लंबा है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं पिरिमिडिन में तीन बेस होते हैं। तो ऑब्वियसली थाइमिन एंड यूरेसिल एक जैसे होते हैं, लेकिन आरएनए में तो यूरेसिल जुड़ता है और थाइमिन जो है वो डीएनए में जुड़ता है। तो टीसीयू ये क्या होता है, पिरिमिडिन। सिंपल सी एक ऐसे ट्रिक याद रखे, ए जी पी यू चले, तो इससे आपको याद रह जाएगा एडिनिन एंड ग्वानिन आपके प्यूरीन बेस होते हैं, एंड इसमें क्या होती है रिंग, पिरिमिडिन होती है। बस ये थे आपके बेस। अब हम पढ़ते हैं कि बेस हो गए फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड आपका क्या होता है, H3PO4, जिसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, P डबल बॉन्ड O, O H, O H एंड O H, जब जुड़ना होता है तो ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और फिर लिंकेज बनती है। अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। न्यूक्लियोटाइड पढ़ने से पहले आपको देखना होगा सबसे पहले क्या होता है, कोई भी न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले, कि न्यूक्लियोसाइड बनता है। न्यूक्लियोसाइड, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है कि आपकी जो शुगर मायोटी होती है उससे क्या होता है, बेस जुड़ जाता है, और बेस जो होता है वो पिरिमिडिन हमेशा फर्स्ट नाइट्रोजन से जुड़ता है एंड फर्स्ट एटम से जुड़ता है, और जो आपका वो होता है
प्यूरिन होता है वो 9th नंबर से जुड़ता है, और शुगर के हमेशा पहले मतलब फर्स्ट ओवर से जुड़ता है। तो होता क्या है, हमने अभी पढ़ा शुगर की स्ट्रक्चर, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, आपको पता है शुगर का बस डिफरेंस होता है, तो दोनों में ओएच इधर है एच, फिर ये एच ओएच एच ओएच एंड सीएच टू ओएच एंड एच, तो ये क्या होता है, ये ओएच होती है। और अब आपका जो बेस होता है वो क्या करता है, ग्लाइकोसिडिक ऑक्सीजन वाटर रिमूव हो जाता है, और पहले इससे क्या हो जाता है, बेस जुड़ जाता है, और ये OH रिमूव होता है, और बेस में नाइट्रोजन के साथ ऐसे H होता है वो रिमूव हो जाता है, तो ये OH उड़ जाता है, वाटर निकल जाता है, तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से आपके बेस जुड़ गया। तो ये बेस प्लस शुगर आपका क्या कहलाता है, बेस प्लस शुगर आपका क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड। तो ये न्यूक्लियोसाइड बन जाता है, बेस कोई भी जुड़ सकता है, प्यूरिन भी पिरिमिडिन भी, जैसे एडिनिन जुड़ता है ना, अगर मान लो एडिनिन बेस आके जुड़ा है तो इसको न्यूक्लियोसाइड को क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोसाइड को एडिनोसिन, ठीक है। जो भी प्यूरिन है, एजी है ना प्यूरिन, तो गुआनिन जुड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, गुआनोसिन। अब पिरिमिडिन क्या है, आपके थाइमिन है, पिरिमिडिन जुड़ता है, थाइमिन जुड़ता है, तो पिरिमिडिन तो ए जी पी यू चले, एम थाइमिन साइटोसिन टी सी एंड यू, तो इसको क्या बोल देते हैं, थाइमिडीन, क्योंकि पिरिमिडिन है ना ये, थाइमिडीन सब फिक्स हो जाता है। सी को क्या बोल देंगे, तो इडीन एडिनोसिन गुआनोसिन ये सब क्या है, न्यूक्लियोसाइड, मतलब शुगर प्लस बेस, अगर बेस आपका थाइमिन जुड़ा तो थाइमिडीन, साइट्रोसिन जुड़ा तो साइटिडीन, एंड यूरेसिल जुड़ा तो यूरिडीन। तो यूरिडीन आपका खाली बेस नहीं है, यूरिडीन क्या होगा, आपका शुगर प्लस यूरेसिल बेस यू, ठीक है। तो इसे हम ये कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, चलिए अब हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं आपके, ये तो पता चल गया शुगर है आपके, शुगर के पहले कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे मतलब फर्स्ट ओएच पे, पहले कार्बन से ओएच रिमूव हो गया और पहले कार्बन पे आपके क्या जुड़ गया, बेस, ठीक है। और ऐसे ही शुगर का जो फिफ्थ कार्बन होता है उसमें भी सी एच टू ओ एच होता है, वहां पे क्या होती है, एस्टर लिंकेज, अगेन वाटर रिमूवल होगा और फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है। तो जब आपके फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाए, मैं जिसे पी ए लिख रही हूँ, तो उसे कह देते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड, ये क्या हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड ओनली शुगर प्लस बेस, और न्यूक्लियोटाइड जब तीनों जुड़ गए। अब ये ऐसे जुड़ते कैसे हैं, देखिए ये आपकी शुगर है, यहाँ पे आपके पहले कार्बन पे क्या जुड़ गया, बेस जुड़ गया, और ये पांचवे कार्बन पे क्या होता है, सी एच टू ओ एच, और फॉस्फोरिक एसिड में क्या होता है, पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, वहां से एच टू ओ रिमूव हो जाता है, ये पी ओ ओ एच ओ एच, तो ये आपका ये फॉस्फो मतलब एस्टर लिंकेज बन गई, सी एच टू ओ पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच, तो यहाँ से ये एस्टर लिंकेज से ये आपका क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। अब बेस आपका कोई भी हो सकता है, एडिनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन, जैसे इस तरीके से आपके बनते हैं। तो इसे हम कहते हैं, जैसे मान लो एडिनिन जुड़ गया तो उसको क्या कहेंगे, ए एम पी, एडिनिन एडिनोसिन एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसको कह देंगे एडिनोसिन, और इसको पूरे को कह देंगे एडिनोसिन, और इसको कह देंगे मोनोफॉस्फेट, ठीक है। ऐसे ही यूरेसिन जुड़ गया तो कह देंगे यूएमपी, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, इसको कह देंगे यूरिडीन, और इसको कह देंगे शुगर प्लस बेस को कह देंगे यूरिडीन, और उसको कह देंगे एक फॉस्फेट जुड़ रहा है तो मोनोफॉस्फेट। तो हमेशा याद रखना है कि फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फोरिक एसिड जुड़ता है और फर्स्ट कार्बन पे आपके बेस जुड़ता है, ठीक है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो आपने देख लिया न्यूक्लियस, प्यूरिन और पिरिमिडिन एक तो आपको ध्यान रखने हैं, ए जी पी यू चले, एडिनिन एंड गुआनिन आपके प्यूरिन होते हैं और बाकी जो सभी है वो पिरिमिडिन होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, शुगर प्लस बेस, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे कि अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या होती है। न्यूक्लिक एसिड चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए, तो दो स्ट्रक्चर होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर
एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले हम डीएनए की पढ़ते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं अलग 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 अलग, और अब ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं। अब ये जुड़ते कैसे हैं, न्यूक्लियोटाइड मतलब एक ऐसे चेन बनाते हैं जिसे हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर पॉली न्यूक्लियोटाइड। होता क्या है कि आपका ये है फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट ग्रुप O H P डबल बॉन्ड O O सी एच टू, ये आपका शुगर, यहाँ पे आपका है बेस, ठीक है H और H H डीऑक्सीराइबो। डीएनए के लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ, आरएनए में यहाँ OH होगा। थर्ड कार्बन पे क्या होता है आपका H एंड OH, सेम फिफ्थ कार्बन पे ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे ही आपका दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा। तो ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड आया, उसके पास भी क्या है बेस है एच है एच एच एंड एच, थर्ड कार्बन पे एच ओ एच एंड चौथे पे एच सी एच टू, और आपके क्या है फॉस्फोरिक ग्रुप है तो ओ पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच एंड ओ एच है। तो अब ये क्या होता है, ये जो तीसरा कार्बन होता है इसका जो पांचवा कार्बन है ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये पहला न्यूक्लियोटाइड है ऊपर वाला, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये जो तीसरा कार्बन है और ये जो आपका पांचवा कार्बन है तो इसमें से अगेन ऐसे वॉटर का रिमूवल होगा एच टू ओ, वाटर का रिमूवल हुआ और ये एस्टर लिंकेज से जुड़ जाते हैं, तो ये फॉस्फोडाई एस्टर लिंकेज हो जाती है। फॉस्फोडाई एस्टर, डाई एस्टर क्यों बोले, भी एक एस्टर तो यहाँ पे लिंकेज है, एक एस्टर यहाँ, तो इसे हम कहते हैं फॉस्फोडाई एस्टर लिंकेज। तो ये फॉस्फोडाई एस्टर लिंकेज से इस तरीके से शुगर बेस और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ जाता है, और ये लिंकिंग कहाँ से होती है, थ्री पे होती है। तो देखिए हमेशा हर एक चैन का एक फाइव डैश एंड होता है क्योंकि ये पांचवे पे फॉस्फेट ग्रुप है, और ऐसे ही हर तीसरे पे ये जुड़ते जाएंगे तो जो दूसरा लास्ट एंड जो बचेगा वो ये तीसरे कार्बन का एंड बचेगा, तो एक थ्री डैश एंड होता है। तो इस तरीके से एक चेन बन जाती है फाइव डैश एंड से लेके थ्री डैश एंड की, इसे हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, और इस चेन को कहते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो वो पॉली न्यूक्लियोटाइड की एक चेन बन जाती है, और यहाँ पे ऐसे ये बैकबोन है शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड की, जिनके साथ बेसिस लगे हुए हैं। बेस कुछ भी हो सकते हैं, ए भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, और डीएनए में तो क्या होंगे ए जी टी मतलब थाइमिन होगा, और आरएनए का अगर स्ट्रैंड है वो तो उसमें क्या होगा ए होगा आपका जी होगा, पर टी नहीं होगा यू होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपने देख लिया किस तरीके से फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू ये जुड़ते रहते हैं। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है कि जैसे डीएनए की वाटसन एंड क्रिक ने दी थी कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनती है, मतलब एक फाइव डैश एंड से लेके थ्री डैश एंड का एक स्ट्रैंड है, तो एक दूसरा जो होता है वो उसके चारों ओर ऐसे हेलिक्स रूप में जुड़ जाता है, वो क्या होता है इसका पैरेलल होता है, बट वो थ्री डैश टू फाइव डैश रन करेगा स्ट्रैंड, ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं इनके बीच में जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, तो जैसे एडेनिन अगर सामने में बेस आया है तो इधर दूसरे स्ट्रैंड में जो बेस आएगा वो क्या आएगा थाइमिन आएगा, और एडेनिन और थाइमिन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होता है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में हमेशा तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो अब दो चीजें और नहीं याद रखनी है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये हमने चीज देख ली, और तो अब ऑब्वियसली कि जितने ए होंगे उतने ही थाइमिन होंगे, और जितना ग्वानिन होगा उतने ही साइटोसिन होंगे, और यही है चार ग्राफ रूल। तो चार ग्राफ रूल क्या है कि ए प्लस जी मतलब जितने प्यूरिन होते हैं और पिरिमिडिन क्या होते हैं ए प्लस सी उतने ही पिरिमिडिन होते हैं, तो ये है आपका चार ग्राफ रूल। तो ये आपकी डीएनए की स्ट्रक्चर होती है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या होती है जिसमें सामने वाली स्ट्रैंड पैरेलल इसके रन करती है, कोइल हो जाती है, थ्री टू फाइव फाइव टू थ्री होते हैं, और उसमें कैसे नाइट्रोजिनस बेस जुड़ते हैं, ए के साथ टी जुड़ता है, जी के साथ सी जुड़ता है, मतलब प्यूरिन के साथ पिरिमिडिन जुड़ेगा, पर ए के साथ कौन सा पिरिमिडिन जुड़ेगा थाइमिन,
और जी के साथ प्यूरीन है, उसके साथ कौन सा पिरिमिडिन जुड़ेगा? साइटोसिन। और एडेनिन और थाइमिन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? दो। और गुआनिन एंड साइटोसिन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? तीन। तो ये तो थी आपकी डीएनए की। तो ये तो थी आपकी डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब आरएनए में क्या होता है? आरएनए में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं बनती, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर ही बनती है। बस वो खुद ही अपना एक सिंगल हेलिक्स ही अपना लूप बना लेता है। तब जब वो लूप बनाता है तो उसमें हमेशा एडिनिन के साथ कौन सा बेस जुड़ता है? यूरेसिल, ना कि थाइमिन। टी की जगह यूरेसिल जुड़ता है, और जी के साथ कौन सा जुड़ता है? तीन बॉन्ड से साइटोसिन। इस तरीके से वो टर्न होता है, ठीक है। तो ये थी आपकी डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर। उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट आपको चीज याद रखनी है, बस चार ग्राफ रूल याद रखना है कि जितने प्यूरीन होते हैं उतने ही पिरिमिडिन होते हैं। और अब मैं आपको आरएनए के बारे में बताती हूँ। तो आरएनए क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, उसमें डीऑक्सीराइबो नहीं होते, वो सिंगल स्ट्रैंड ही होता है। और जो आरएनए होता है वो आपका तीन टाइप का होता है, मैसेंजर एमआरएनए, राइबोसोमल आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। और उसके अलावा आपको कोई ज्यादा कुछ आरएनए में पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम एक पढ़ते हैं जो बहुत सी चीज कई बार पूछ ली जाती है, सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा क्या होता है कि डीएनए से प्रोटीन बनने की पूरी विधि को हम सेंट्रल डोगमा कहते हैं। सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा क्या होता है? आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए, एंड आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। डीएनए से आरएनए किसके थ्रू बनता है? आपके ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। अगर ट्रांसक्रिप्शन होता है तो वो आपके बनता है आरएनए, और अगर ट्रांसलेशन होता है तो आपके बनता है प्रोटीन। कैसे बनता है ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। और डीएनए से ही डीएनए का बन जाना ये कहलाता है रेप्लिकेशन। कई बार ये सिर्फ चीज आ जाती है और इस पूरी चीज को कहते हैं सेंट्रल डोगमा। तो डीएनए से आरएनए बनना मतलब ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना मतलब ट्रांसलेशन, और डीएनए से डीएनए ही बन जाना मतलब रेप्लिकेशन, पुनः हमें वो फोटोकॉपी मिल जाना, ठीक है। तो ये होती है आपकी सेंट्रल डोगमा। इसके अलावा डीएनए और आरएनए में आपको अंतर ध्यान रखना है। तो डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है? पहला अंतर तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें जो पिरिमिडिन होता है, सबसे पहले तो मेन शुगर, जो शुगर होती है डीएनए में वो क्या होती है? डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होती है, राइबोज शुगर होती है, एंड इसमें क्या होती है? राइबोज शुगर होती है। चलिए ये तो आपके पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर आपके क्या हुआ कि डीएनए में जो पिरिमिडिन बेस होते हैं वो कौन से होते हैं? साइटोसिन एंड थाइमिन, और जो आरएनए में होता है वो साइटोसिन एंड यूरेसिल होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और प्यूरिन तो वही होते हैं, एडिनिन एंड गुआनिन, एजीपीयू चले, एजीपीयू चले, ये प्यूरिन बेस है। तो पिरिमिडिन बेस में ये डिफरेंस होता है। ये डीएनए डबल हेलिक्स होता है, मेनली डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है डीएनए की, और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, और जबकि आरएनए में क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड ही होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। डीएनए का लार्ज मॉलिक्यूल होता है, इसका मॉलिक्यूल मास हाई होता है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो कम होता है, ठीक है। और डीएनए में रेप्लिकेशन की प्रवृत्ति होती है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेट होकर मतलब खुद ही डीएनए बना सकता है। आरएनए में नहीं होती रेप्लिकेशन की प्रवृत्ति, वो इतनी इंपॉर्टेंट है। मेन डीएनए और आरएनए में यही अंतर, ये अंतर ध्यान रखना। तो कुल मिला के ये था न्यूक्लिक एसिड के बारे में, जहां पे आपको मेन ध्यान रखना है प्यूरीन, एक तो डीएनए शुगर के बारे में, ठीक है, डीएनए में कौन सी शुगर होती है और आरएनए में कौन सी शुगर होती है। फिर आपको ध्यान रखना है प्यूरीन ए जी पी यू चले, एंड पिरिमिडिन आपके कौन से होते हैं? थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, और यूरेसिल केवल आरएनए में पाया जाता है एंड थाइमिन केवल डीएनए में पाया जाता है, बाकी दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका बेस का। फिर आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड कौन से होते हैं? जब आपके शुगर प्लस बेस जुड़ता है
तो ये होता है न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड कौन से होते हैं? न्यूक्लियोटाइड पॉली न्यूक्लियोटाइड, अब आपका फॉस्फोरिक एसिड भी जुड़ जाए तो आपका हो जाता है शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप, हो जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो ये कुल मिला के। और फिर डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है वो आपको ध्यान रखना है बस। और चार ग्राफ रूल क्या होता है, टोटल प्यूरीन इक्वल्स टू टोटल क्रोमेटिन। तो ये था कुल मिला के आपके न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।